हेलो दोस्तों, मैं हूं पायल गुड़िया। यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल का क्रिकेट जगत में कैसा दबदबा है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जब भी वे मैदान में होते हैं तो गेंदबाजों के मन में भय बना रहता है। आईपीएल में तो गेल का बल्ला अलग ही तरीके से आग उगलता है। उन्होंने इस लीग के कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, लेकिन दुनिया भर का मनोरंजन करने वाले इस खिलाड़ी को खतरनाक गुस्सा भी आता है, वो भी इतना कि वे किसी गेंदबाज को खत्म कर देना चाहे। हालांकि इस बात को मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस बात का खुलासा स्वयं में पंजाब के नए कप्तान केएल राहुल ने किया। राहुल ने बताया कि साल 2018 में आईपीएल के दौरान उन्होंने गेल का ऐसा रूप देखा जिस पर भरोसा करना काफी मुश्किल था। उन्होंने कहा, मुझे याद है 2018 में क्रिस गेल रनों के भूखे थे। वो उस सीजन में शानदार प्रदर्शन करना चाहते थे। वे काफी गुस्से में थे और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वे मैच जीतना चाहते थे। उस समय मैच के दौरान गेल ने मुझे कहा था कि यदि राशिद खान मुझे घूरेगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। गेल ने मुझसे कहा था कि अगर राशिद खान आता है तो मैं उसे फिनिश कर दूंगा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि कोई स्पिनर आए और घूर कर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे। राहुल ने आगे बताया, ये पहला मौका था जब मैंने गेल को इतने गुस्से में देखा था। उन्होंने मुझसे कहा कि सिंगल लेकर उन्हें स्ट्राइक दूं। वह राशिद खान की 6 गेंद खेलना चाहते थे। मैंने क्रिस गेल का ये रूप पहली बार देखा था। आपको बता दें कि गेल ने इस मैच में 63 गेंदों पर 104 रनों की पारी खेली, जिसमें 11 छक्के शामिल थे। उनके प्रदर्शन के दम पर पंजाब ने 194 रनों का लक्ष्य हैदराबाद को दिया और 15 रनों से मैच अपने नाम कर लिया था।